नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरहियाणं नमो वस्यायाणं नमो लोए सर्वसाहुनं ऐसो पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानच सब्बे सिं परम हवै मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैत्रिस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विराट शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रिय स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के संत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे कल्याण करे कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो जगत कल्याण हो नित्य स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्म
तमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वंदे तैत्रिश कोटि देवगण विस्महितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञमे मंगलमय जो आशिषम् सिद्ध स्वरूपे मूर्तमो गलते भूल को माफ दो व्यवहार सदबूत हो निश्चय में अभिप्रोत हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद हे श्री पद्मावती माँ हे श्री चक्रेश्वरी माँ मा, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संघ को प्राप्त हो हे श्री अम्बे मां हे श्री भद्रकाली मां हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो ऐसी स्याद्वाद वाणी स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी जय सच्चिदानंद अपने यार ओ सॉरी हां कायो तैयार रही कुछ पर सोए को जगा देंगे सत पर में नंट सिद्धांत जीवन रोशन कर दे दादा सुदर्शन से
निज चेतन देखेंगे, आमूल परिवर्तन जीवन का साफल्य, तन मन धन से अहिंसा व्यवहार में समभाव्य, निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे, नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे, हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, जग सत्य सत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर, केवल सत लक्षण की संयम से घटा दे बै, समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे, दादा का दिल मरमार सृष्टि में बांटेंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की बुक दुखद परिणाम ज्ञान, आत्मा का गुण है सुख, परिशह की तपस्या ने खुद ज्ञाता देखेंगे, मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे, कर्ता पद से मुक्तक व्यवस्थित को समझें, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से, अचौर्य से निडरता निर्भय हो तबीयत से, आदत मजबूरी में शुभ भाव प्रकट कर ले, भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, संयोग रिलेटिव को निर्दोष ही देखेंगे, दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे, ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है, पुद्गल पाचन का सार आनंद प्रदानी है, अणुव्रत महाव्रत में नौर्बल बन सर्वांगे, अमृत कुंभा पी कर मर के भी जी लेंगे, दादा का सुदर्शन दृष्टि फिरा देंगे, दादा सुदर्शन से
निज चेतन देखेंगे ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे सत परमेनंट सिद्धांत जीवन रोशन कर दे दादा सुदर्शन से निज चेतन देखेंगे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ये ओरिजिनल गुजराती का ट्रांसलेट किया है, ये ओरिजिनल पद गुजराती में था ना, उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में भरत भाई? ना ना हिंदी में अच्छे, ये हिंदी में ही ओरिजिनल ऐसा ही है। ऐसा अच्छा अच्छा, ये कभी पहले जा ऐसा प्रोग्राम में गाया नहीं है, मैंने भी नहीं गाया, पहली टाइम गाया। नहीं नहीं कविराज के मुख से मैंने ये पद सुना है, हिंदी में ही है। कविराज के मुख से मैंने ये पद सुना है, मगर मेरे ख्याल से ये पद में थोड़ा कुछ परिवर्तन है जो ओरिजिनल सुना था उसमें और इसमें, मेरे ख्याल से नहीं। खाली इसमें है ना जो थर्ड ट्रांजा जो है ना उसका ट्यून जो सब मैंने एक सरी का गाया है, जो काया थर्ड वन है ना, काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख, दुखद परिणाम अज्ञान आत्मा का है गुण, उसका ट्यून जो है ना खाली वो अलग है, लेकिन लाइव में उसको गाने के लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट या ऐसा और ट्यून जाने के लिए नहीं है। उसका ट्यून खाली ऐसा है, काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख, दुखद परिणाम अज्ञान आत्मा का गुण है सुख। बस बाकी सब वैसा का वैसा ही है, ओरिजिनल सीडी में यही है, और ये बुक के अंदर ही ऐसा ही छपा हुआ है। ओके ओके, वो शायद आपको ट्यून कोई किसी का सिमिलर ट्यून तो बराबर है, ट्यून वही था, मैंने शायद मेरे को लगता है कि बहुत समय हो चुका होगा। जी 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 जी, ऐसा बहुत बहुत ये जाहिर में कभी 90% मेरे ख्याल से 10-20 साल पहले गाया रहेगा। नहीं कविराज से मुझसे मैंने सुना है, अभी कब सुना है तो नहीं मालूम। जी जी जी, सुना तो है और मैंने खुद ने भी मतलब ये पद पढ़ा है पहले। हाँ तो ये दादा का सुदर्शन निज चेतन देखेंगे, दादा का सुदर्शन क्या है? निज चेतन देखना, खुद का चेतन देखना, ये सुदर्शन है। और लोग क्या कहेंगे कि सबका चेतन देखना, तो कहने का मतलब ये है कि दादा का सुदर्शन निज चेतन देखेंगे, ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। तो ज्ञानांकित वचन अभी तक हम धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से या धर्मगुरुओं के माध्यम से हम अभी तक यही जानते थे, शरीर और आत्मा को तो मानते थे, पर हम कैसे मानते थे आत्मा को? कि जैसे मैं चंदूलाल हूं, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है, ये दृष्टि हमारे पास धर्मों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से हमने पाई हुई थी कि मैं चंदूलाल हूं और मेरे अंदर शुद्ध आत्मा है। ये दृष्टि आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से करेक्ट नहीं है। यहाँ चंदूलाल मुख्य होता है और अंदर परमात्मा शुद्ध आत्मा होता है। तो आध्यात्म विज्ञान ये कहना चाहता है कि आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं और चंदूलाल कर्मों की भुगतान का साधन है। मैं शुद्ध आत्मा हूं वो सेंटर पॉइंट है, चंदूलाल सेंटर पॉइंट नहीं है, और चंदूलाल के अंदर शुद्ध आत्मा है तो वो सेकेंडरी हो गया। मेरी कार है और कार के अंदर पेट्रोल है तो पेट्रोल सेकेंडरी हो गया, कार मुख्य हो गई। तो ये सोच सही नहीं है, सोच ये होनी चाहिए मैं शुद्ध आत्मा हूं और चंदूलाल जो है वो कर्मों की भुगतान का साधन है जो कुदरत ने बनाया है और वो कुदरती रचना से ही चलता है। तो यहाँ सेंटर में शुद्धात्मा होना चाहिए, सेंटर में चंदूलाल नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट विजन
ये विजन करेक्ट होना चाहिए अपना, गलत नहीं होना चाहिए। आगे सत परमानेंट सिद्धांत जीवन रोशन करते, यानी जो हम कहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्यों के ऊपर, शाश्वत सिद्धांतों के ऊपर, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रू साइंस के ऊपर आधारित है, और उसी से हमको अपना अपना दर्शन रोशन करना है, जीवन रोशन कर दे। जीवन का मतलब दर्शन होता है, जीवन का मतलब मन वचन काया नहीं मगर दर्शन। आमूल परिवर्तन जीवन का साफल्य, अभी ये आमूल परिवर्तन जीवन का साफल्य, इसके नीचे लिखा है तन मन धन से अहिंसा, तन मन धन से अहिंसा व्यवहार में समभाव्य, यानी तन मन धन से जो अहिंसा, हिंसा नहीं करना, और व्यवहार में समभाव, मतलब हमारा जो ये तन मन धन का जो व्यवहार है रिलेटिव सत्य में प्रकृति के माध्यम से, उसमें हमको समभाव होना चाहिए। तो यहाँ समभाव के ऊपर वेट है, तो ये समभाव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास है। समभाव वो भाव से जुड़ा हुआ है, एक्शन से, स्पीच से, थॉट से नहीं जुड़ा हुआ है भाव। और आज तक हमने जो चौथी आज्ञा थी कि संभाव से निपटारा करना, ये चौथी आज्ञा हमने ऐसे माना जैसे हमको करना है, एक्शन फॉर्म में समझने गए, और इसीलिए हम सब फेल हो गए। आखिर हम कैसे करेंगे, मन वचन काया तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं, वो तो कुदरती रचना है, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता है। और इसीलिए मन वचन काया की जो भी अवस्था है उसमें हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनकी दृष्टि में समभाव होना चाहिए, बैलेंस विजन, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मालिकी भाव भी नहीं, कर्ता भाव भी नहीं, ऐसा समभाव लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होना चाहिए। और बाहर जो कुछ भी होता है मगर अंदर संभाव रहेंगे, इसको संभावे निकाल बोलते हैं। संभावे निकाल का मतलब कोई क्रिया नहीं है, शब्द नहीं है और थॉट भी नहीं है, भाव है, इंटेंशन। एनीवे, तो भाव का इंपॉर्टेंट है। निश्चय में शुद्धात्मा सत्संग जमा देंगे, निश्चय में मतलब अपने लक्ष्य में हर समय यही होना चाहिए, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रहता है, तो निश्चय में हर समय यही होना चाहिए मैं शुद्धात्मा हूं। ये जो पहले सोच थी कि मैं चंदूलाल हूं और मेरे अंदर शुद्धात्मा है, ये धार्मिक सोच है, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्म में मैं शुद्धात्मा हूं और चंदूलाल कर्मों के भुगतान का साधन है, तो वो सेकेंडरी हो गया, फर्स्ट मैं हूं। नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे, हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे। तो यानी हिंसा का मतलब होता है कि मारामारी करना, वो नहीं है, हिंसा का मतलब होता है भाव हिंसा, राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, ये सब हिंसा है मगर ये भाव हिंसा। और भाव से भाव है, जो भी भाव से संसार बनता है वो सब भाव हिंसा है, चाहे वो राग का है, चाहे द्वेष का है, चाहे पाप का है, चाहे पुण्य का है, मगर सभी प्रकार के संसारी भाव वो भाव हिंसा ही है। और हमको अहिंसक बनना है, मतलब हमारी जो हर भावना पुरुषार्थ के साथ जुड़ी है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक वाली भावना ही होनी चाहिए, तो वो भाव अहिंसा है। हिंसा का मतलब जिसे नया संसार बनेगा वो सभी प्रकार की भावना, वो भाव हिंसा है। और जिससे मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनते हैं वो भाव अहिंसा है। तो ये दोनों बात हमको समझनी पड़ेगी। जगत सत्य असत्य में आग्रह से चढ़ता है, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं, रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, सत्य असत्य दोनों अज्ञान है, रिलेटिव सत्य में ही तो सत्य असत्य होता है, सनातन सत्य में सत्य असत्य नहीं होता है। रिलेटिव सत्य का मतलब होता है व्यू पॉइंट। एक कहता है कि मेरे को शादी करना चाहिए, दूसरा कहता है मेरे को नहीं करना चाहिए,
तो ये व्यू पॉइंट है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। एक कहता है भगवान राम को मानना चाहिए, एक कहता है नहीं मैं तो कृष्ण को मानूंगा, तीसरा कहता है नहीं मैं तो महावीर को मानूंगा। तो रिलेटिव सत्य है, तो रिलेटिव सत्य में सत्य असत्य होता है, सनातन सत्य में सत्य असत्य नहीं होता है, उसमें शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, वो मानो या न मानो कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसको व्यू पॉइंट नहीं बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, और इंडिविजुअल मान्यता वो सत्य असत्य में जाती है, और इसीलिए हमने कहा रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। तो जगत सत्य असत्य में आग्रह से चढ़ता जैर, केवल सत्य लक्ष्यांकी संयम से घटा दे वैर। तो केवल ज्ञान है, अपना ही लक्ष्य रखो, मैं शुद्धात्मा हूं, बाकी सत्य असत्य जो रिलेटिव है उसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सनातन सत्य यही है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है, दोनों सनातन सत्य है। एक रियल सनातन सत्य है और एक कुदरती रचना के रूप में सनातन सत्य है, मगर दोनों में से कोई रिलेटिव सत्य नहीं है। समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, समता से समझौता। समता से समझौता का मतलब होता है कि समझौता में क्या होता है, जैसे कहते हैं कि हमको सहन करना, ये सहन नहीं करना है, समाधान करना है। क्या करना है? दादा भगवान का एक इंग्लिश सुवाक्य है, डोंट सी लॉ प्लीज सेटल, डोंट सी लॉ प्लीज सेटल। समाधान करो, कायदा कानून को बीच में मत लाओ। जिंदे व्यक्तियों के साथ जिस प्रकार से समाधान होता है, दैट इज द ओनली बेस्ट सॉल्यूशन। आप लॉ लेकर आओगे रिलेटिव सत्य में, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा रिलेटिव सत्य का कायदा कानून नहीं चलेगा, और इसीलिए संघर्ष होता है। तो इसीलिए कैसे भी करके वो समाधान होता है समता से, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे। समता का मतलब होता है जो भी प्रकार के दृष्टि से आपको समता रहती है, समता, सम यानी इक्वालिटी, सम का दूसरा नाम है सम भाव। सम मतलब इक्वल, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं, गुड भी नहीं, बैड भी नहीं, प्रॉफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं, सम। सम का मतलब होता है इक्वल, बैलेंस विजन। तो समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, यानी दोनों के अंदर हमको संभाव रखना है, मगर कैसे रखेंगे? अगर कोई भी अवस्था को हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे तो डिवीजन होगा ही नहीं। कैसे होगा? अच्छा संजोग आया तो भी कुदरती रचना, बुरा संजोग आया तो भी कुदरती रचना, प्रॉफिट हुआ तो भी कुदरती रचना, लॉस हुआ तो भी कुदरती रचना, कोई अच्छे संबंध बने तो भी कुदरती रचना, कोई संबंध टूट गया तो भी कुदरती रचना। तो कुदरती रचना जो है वो इसीलिए हम हर अवस्था में संभाव में रह सकते हैं, और संभाव ही समता, समता संभाव से ही समता अपने आप आ जाती, वो अनुभूति है समता। श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा की, अभी श्रद्धा शब्द कब होता है? जब कोई आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं श्रद्धांजलि, बराबर है? कोई आदमी मर जाता है तो कहिए श्रद्धांजलि के आधार, ये प्रोग्राम है उनकी। श्रद्धांजलि का मतलब होता है उनकी याद में। तो श्रद्धांजलि की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे, ये क्या करेंगे? ये मन वचन काया की जो अवस्था है, और अवस्था समय समय पे निकल रही है, डाइल्यूट हो रही है, एग्जॉस्ट हो रही है, खत्म हो रही है, वो श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे। हम सागर कौन सा पीएंगे? मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूं। तो ये मन वचन काया की अवस्था है, उसकी तो अंजलि होती रहती है हर समय, वो एक्सपायर्ड ही होता है। हमारा मन वचन काया और उनका संयोग हर मोमेंट में एक्सपायर्ड ही होता है, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। प्रकृति को मरना है वही प्रोसेस है, कर्म को खत्म होना है वही प्रोसेस है, उसमें हमको प्रीत सागर पी लेना है। कौन सा सागर? अंदर प्रीत सागर, प्रीत मतलब परमात्मा से जुड़ी हुई प्रीत,
उसको ही उसका ही हमको पान करना है, कोई अवस्था का डिस्चार्ज अवस्था का पान करना नहीं है, वो श्रद्धांजलि है। दादा का दिल मरमार सृष्टि में बांटेंगे, दादा का दिल मरमार, ये क्या कहना चाहते हैं कविराज के, दादा के दिल में जो मर्म था वो दुनिया को बांटेंगे, शब्द नहीं बांटेंगे। हम तो शब्द बांटते हैं कॉपी, और इसीलिए आज से करीब 8 साल पहले मैंने बड़ौदा में यही कहा था मंच पर से कि हम सब मंच पर बैठे हैं वक्ता वक्ता के रूप में, दादा भगवान ने हमको पोपट नहीं बनाया है कि उनके शब्दों को बोलना है, नहीं, उन्होंने दिए हुए दृष्टि को पा करके हमने उस दृष्टि का उपयोग करके यूज करके जो अनुभव पाया है, जो मुक्तता की अनुभूति किया है, जो आधि व्याधि उपाधि में हम वही दृष्टि से समाधि की अनुभूति करते हैं, राग द्वेष की दशा में भी वितराग रह सकते हैं, वो हमारा अनुभव दुनिया को बांटना है कि दिस इज द एक्सपीरियंस, ये हमको सबको अनुभव हुआ है, ये दादा भगवान की ज्ञान दृष्टि से और इसके उपयोग से हमने जो अनुभव पाया है वो अनुभव हम आपको शेयर करने के लिए आए, और तभी दुनिया एक्सेप्ट करेंगी कि ये दादा भगवान का जो विज्ञान है वो अनुभव करने के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, कंठस्थ करने के लिए नहीं है, रियलाइज करने के लिए, अनुभव करने के लिए, नॉट नॉलेज। तो काया दादा का दिल दृष्टि सृष्टि में बांटेंगे, सृष्टि दुनिया में, काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख, दुखद परिणाम अज्ञान आत्मा का गुण है। ये काया के परिग्रह में लक्ष्मी विषयों की भूख हो सकती है, काया के परिग्रह में, पर दुखद परिणाम अज्ञान, ये अज्ञान जो है वो अज्ञान ही हमको मारता है, ये प्रकृति की जो भूख है वो नहीं मारती, उनको भूख लगी है तो खाना दे दो तो वो गलती नहीं, उनको प्यास लगी है तो पानी दे दो वो भी गलती नहीं, गलती कहाँ है, गलती ये है हमारे में अज्ञान है कि शरीर में हूं, शरीर मैं चलाता हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करता हूँ, मन वचन काया जो करता है वो मेरी जिम्मेदारी है, बस यही अज्ञान हो गया। एक तरफ कहता है मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रत्न है, दूसरी तरफ ये भी बोलते हैं कि मन वचन काया से होती गलती वो मेरी गलती है, तो ये तो कंफ्यूज हो गया फिर। आइदर यू आर कंट्रोलर और नॉट, आइदर यू आर मन वचन काया और नॉट, आप मन वचन काया है, मन वचन काया को चलाने वाले है नहीं है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप सिर्फ अलग हो जाओ दृष्टि से कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं और ये जो मन वचन काया है उनकी अवस्था है वो कुदरती रचना है। दुखद परिणाम अज्ञान, वो अज्ञान परिणाम से आत्मा का गुण तो सुख है, वो दुखद है नहीं। परिसह की तपस्या ने खुद ज्ञाता देखेंगे, परिसह उपसर्ग ने परिसह, परिसह का मतलब होता है बाहर से जो दुख आता है वो, जैसे ठंडी लगना, गर्मी लगना, बारिश लगना, कोई हमको कंकर लगा दे ऊपर से पैर से वो नारियल गिर जाए सर पे, या तो कोई गाली देता है, कोई अपमान करता है, कोई दुख देता है, ये परिसह बोलते हैं। तो ये जो परिसह की तपस्या ने खुद ज्ञाता देखेंगे, तो ये अंदर जो परिणाम खड़े होते हैं, अंदर इनसाइड, तो बाहर के संयोग से अंदर सुख दुख तो होगा ही, इसी को तो भुगतान कहते हैं। प्रकृति तो जड़ है मगर उसको भुगतान करने वाला अंदर है, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, जिन्होंने प्रीवियस बर्थ में कर्मों को चार्ज किया था वो ही आज भुगतान कर रहा है थ्रू द बॉडी एंड थ्रू द सर्कमस्टेंसेस। तो परिसर की तपस्या ने खुद तो उसको ज्ञेय के रूप में देखो, खुद ज्ञाता देखेंगे, परिज्ञ की तपस्या ज्ञेय, वो उसको ज्ञेय बना दो और आप ज्ञाता बन जाओ। तो यही मुक्ति का राय, मुक्ति विश्वासी को नई राह चला देंगे,
यही मुक्ति का मार्ग है। हम क्या करते हैं, परिसर अंदर होता है, बाहर के संजोगों के उपसर्ग के आधार से जो अंदर परिसर होता है वो हम इससे हिल जाते हैं, हम इससे सेपरेट नहीं रह पाते हैं। और दूसरी बार ये भी कहते हैं कि हम खुद शुद्धात्मा है, हम चेतन है, हम अविनाशी है, फिर तुम अलग रहो ना, तुम्हारा काम सुख दुख को झेलना, अनुभव करना, राग द्वेष का अनुभव करना, अंदर कसाय करना, वो आपका काम है भी नहीं, आपका रोल भी नहीं है, आपका स्वभाव भी नहीं है। मगर जिसका स्वभाव है उससे आप अलग हो जाओ, मगर हम क्या करते हैं, जिसका स्वभाव है उससे जुड़ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे को हुआ, बस ये गलती हो जाती है। हुआ वो सही बात है मगर मेरे को नहीं हुआ, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, क्योंकि उन्होंने ही चार्ज किया है तो भुगतान तो वही करेगा। प्रीवियस बर्थ में हमने हमारे पास बिलीफ चार्ज किया था कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ऐसा बिलीफ चार्ज किया था प्रीवियस बर्थ में। अभी आज चंदूलाल आइसक्रीम खाएगा तो अंदर की जो बिलीफ है इसको आनंद लगेगा, क्योंकि उनकी बिलीफ लेकर आए है, वो आज की हमारी बिलीफ नहीं है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठात्मा की बिलीफ है। इसको ज्ञेय बनाना है, क्या बनाना है, ऐसा नहीं करना है कि ये मेरी गलती है, मेरे को आनंद आता है, ऐसा मत मानो, ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठात्मा लेकर आए, आप इसको ज्ञेय मानो। आप खुद क्या बन जाते हैं, उसका कर्ता बन जाते हैं कि ये मेरे को हुआ है ऐसा लगता है, बस वो अज्ञान है, वो अज्ञान को मिटाना है। कर्ता पद से मुक्तक व्यवस्थित को समझे, नुकसान बड़ा कर्ता पद से मुक्तक व्यवस्थित को समझे, बस व्यवस्थित सत्य समझे तो कर्ता पद से ही तो छूटना है। मैं करूं वही अज्ञानता है। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से, और चौर्य से निडरता निर्भय हो तबियत से। ये दुनिया में हम न कुछ लेने के लिए आए और न कुछ देने के लिए आए, हम सब लोग इस दुनिया के अंदर जिसको मोक्ष में जाना है, इसको इस दुनिया से न कुछ लेना है और न कुछ देना है, हम सब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए, हम कुछ देने के लेने के लिए नहीं आए। जो भी है वो कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत का ही रहेगा, इसमें लेने देने की बात है ही नहीं, और जो लेती देती है वो तो कुदरती रचना है। हम ऐसा क्यों भ्रांति में आ जाते हैं कि मैंने किसी को कुछ दिया है, मैंने किसी के पास कुछ लिया है, यही तो भ्रांति है, ये तो कुदरती रचना है, ये तो एक दूसरे का हिसाब है। हम तो अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मगर ये ज्ञान और दर्शन की जागृति हम बार बार भूल जाते हैं, और इसीलिए हम अज्ञान को मिटाएंगे ये विज्ञान की हेल्प से। तो ये हमारा सही पुरुषार्थ है। अचौर्य से निडरता निर्भय हो, जिसको जो चोरी है नहीं, जो मन वचन काया से चोरी नहीं करते वो निर्भय हो जाता है, भय नहीं होता है उसको। आदत मजबूरी में शुभ भाव प्रकट कर ले, ये बहुत अच्छा शब्द लिखा है, आदत मजबूरी में शुभ भाव प्रकट कर ले। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को यही भाव होता है कि कैसे भी करके मैं पुण्य को उपार्जन करूं, शुभ भाव प्रकट कर ले, मगर हमको तो शुद्ध भाव प्रकट कर रहे हैं। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, भीतर का कचरा कौन सा है, मालिक की भाव और कर्ता भाव। ये मन वचन काया की अवस्था वो कचरा नहीं है, मालिक की भाव और कर्ता भाव वो कचरा है। मालिक की भाव यानी मैं मन वचन काया हूँ और मैं मन वचन काया को चलाने वाला हूँ, और मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं भुगतान करने वाला हूँ, उसी कचरे की अज्ञान के कचरे को मिटाना है। संयोग रिलेटिव को निर्दोष ही देखेंगे तो हर संयोग को हम निर्दोष देखेंगे, कैसे देखेंगे, कुदरती रचना तो अपने आप निर्दोष ही दिखेगा। और ब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है, उद्गल पाचन का सार आनंद प्रदानी है, ये रिलेटिव सत्य में प्राकृतिक ब्रह्मचर्य वो ताकत की हानि होती है, अब्रह्मचर्य से ताकत की हानि होती है, ब्रह्मचर्य वो उद्गल का सार है जिससे मन वचन काया की ताकत बनी रहती है। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन, उसमें नॉर्मल बनो, एकांतिक मत बनो, अणुव्रत महाव्रत जो है उसमें नॉर्मल बनो, एकांतिक मत बनो, क्योंकि ये
जो पांच महाव्रत है सत्य अहिंसा अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांचों महाव्रत प्रकृति के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। मगर हाँ, अच्छी प्रकृति होती है तो अध्यात्म मार्ग में हमको सहायता होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे मन वचन काया में पांच महाव्रत नहीं है तो हम मुक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। मगर है तो ये प्रकृति की अच्छी क्वालिटी है, और अच्छी क्वालिटी है और अगर अध्यात्म मार्ग में आगे जाना है तो हमको उसमें सहायता मिलती है, ये इसका बेनिफिट है। अनुमत महाव्रत दोनों में नॉर्मल बन सर्वांगे एकांतिक मत बन, अमृत कुंभा पीकर मर के भी जी लेंगे, यानी प्रकृति को तो मरना ही है मगर मैं शुद्ध आत्मा हूं तो वो मरता नहीं, वो अमृत कुंभा है। दादा का सुदर्शन दृष्टि ही फिरा देंगे, और दादा का ये सुदर्शन सुदर्शन वो हमारी दृष्टि को फिरा देंगे। फिरा दे का मतलब होता है जो पहले चंदूलाल था, चंदूलाल को चलाने वाला था, चंदूलाल जो भुगतान करता था वो भुगतान करने वाला था, अभी दृष्टि पूरी घूम गई, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और चंदूलाल और चंदूलाल की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये दृष्टि ज्ञानी पुरुष दादा ने घुमा दिया, आप समझे, चेंज योर विजन। तो जो पहले मैं चंदूलाल था, मैं उसको, ये मेरा विचार है, ये मेरी भाषा है, ये मेरा वतन है, ये गलती मेरी है, ये मैंने किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं चंदूलाल हूँ। अभी मालूम होगा मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, चंदूलाल के पीछे क्यों पड़ा हूँ, चंदूलाल तो कुदरती रचना है मगर अज्ञानता से पड़ गया था, क्योंकि कुछ भ्रांति निकलती नहीं थी, तो दादा ने भ्रांति निकाल दिया। मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। गुणों से हम दोनों भिन्न नहीं है, सामीप्य भाव से भ्रांति होती है, जो ज्ञानी पुरुष के विज्ञान से वो भ्रांति नष्ट हो जाती है, और यही ये पद का सार है। तो मैंने अपनी भाषा में उनको समझाने की कोशिश किया है, और मैं समझता हूँ आप इसमें से जो भी विज्ञान पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आप सब लोग समझ सकते हैं। जय सच्चिदानंद भरत भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बस अभी सीधे ही सत्संग शुरू कर देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है अभी। तो बस मेरी सभी महात्माओं को, साइंटिस्टों को विनंती है कि जिस प्रकार से आप डे बाय डे ये विज्ञान समझते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसी प्रकार से उसमें जो भी बाधा आती है समझने में, कोई बात नहीं समझ में आती है, कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में आप सिंपल और सरल भाषा में शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न कर सकते हैं, और जिसको भी अपना अनुभव कहना है वो भी शॉर्ट एंड स्वीट, समय की मर्यादा को रखे आप अचूक बता सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को मंगलमय बनाए, यही मेरी आप सबको शुभकामना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रामेश्वर भैया जी। yes. स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और स्वामी जी स्वास्थ्य सही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सबकी भावना से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नॉर्मल है। करबद्ध निवेदन है आपसे साहब, हाथ जोड़ के जी प्रभु, कि आप अलवर पधारे। मैं अलवर से बोल रहा हूँ, राम अलवर से बोल रहा हूँ मैं, रामेश्वर। नहीं मैंने देखा आपका नाम, पिक्चर भी देखा, नाम भी देखा। नहीं नहीं बराबर है, वैसे आपकी आवाज से भी मैं आपको पहचानता हूँ। मैंने 3-4 बार टेलीफोन किया, बाकी नहीं बात हो पाई, मैं यही आग्रह कर रहा था। स्वामी जी अब की बार क्या आप जादू कर गए, ये मेरी, मैं सोचता रहता हूँ इस बात को, क्या इस बार आप क्या जादू कर गए। मैं तो जब समय मिलता है यूट्यूब खोल करके मैं आपके सत्संग में सुनता हूँ, और इतना इंटरेस्ट आता है, इतना इंटरेस्ट आता है, और इतना अच्छा लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ 10-12 साल यूं ही निकल गए, ये इसमें तो कुछ असर हुआ ही नहीं, और अब की बार अब अलवर आए और मैं कह रहा हूँ मेरे को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। और आप यकीन मानना मैं चरण विधि करता था कभी कभी, अब चरण विधि भी मेरी तो रह गई,
और मैं तो ये सत्संग ही सत्संग सुनता हूँ। कोई बात नहीं, ये जो भी हुआ है वो अपने समय पे ही हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अध्यात्म विज्ञान कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपको कोई क्रिया करना है या न करना है, दोनों सब्जेक्ट अध्यात्म विज्ञान नहीं है। मगर धीरे धीरे जो कुछ क्रिया को हम पुरुषार्थ के रूप में करते थे वो धीरे धीरे शांत हो जाती है अपने आप। ऐसा नहीं कि मेरे को नहीं करना है, ऐसा भी नहीं होता है, अपने आप शांत हो जाता है। स्वामी जी सारी बातें शब्दों में जानते थे, शब्दों में खूब पढ़िए लिखिए रटी हुई है, लेकिन हकीकत बात है वो सर से ऊपर से निकलती थी, कुछ अंदर अंदर कुछ नहीं होता था जे, और अब ये अनुभव में आने लगा है अभी। तो स्वामी जी मैं घूमते घूमते सत्संग सुन रहा था, डेली सुनता हूँ आपका, डेली सुनता हूँ सुबह शाम जब भी समय मिलता है। तो कल मैं सत्संग सुन रहा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि जैसे आप बताते हैं कि जो अब जो भाव करते हैं उसका परिणाम अगले भाव में आएगा, है स्वामी जी ऐसा ही है ना? यस यस यस। तो आप बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि ज्ञानी पुरुष मिले उसके लिए भावना करें कि हमको ज्ञानी पुरुष मिले तो 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो भाव अब कर रहे हैं तो आपके कहे अनुसार तो अगले जन्म में उसका फल मिलना चाहिए, तो उसका फल समझ गया मैं आपका प्रश्न समझ गया कि भाव करेंगे तो उसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। जी जी जी। मगर भाव भी हमारे 2 प्रकार के हैं जी। डिस्चार्ज भाव भी लेकर आए जो आप भाव में है, इसका फल भी आएगा क्योंकि वो डिस्चार्ज है, और चार्ज भाव भी है जो इसका फल नेक्स्ट बर्थ में आएगा। तो ये दोनों पैरेलल होता है। जो डिस्चार्ज भाव लेकर आए कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष को बार बार मैं मिलूं, इनका सानिध्य प्राप्त करूं, इनको सुनूं, इनको समझने की कोशिश करूं, तो ये भाव लेकर आए हैं तो संजोग भी आज बनेंगे, और नए भाव बनेंगे तो वो उसका फल भी नेक्स्ट बर्थ में आएगा। ये दोनों बात पैरेलल होती है, तो इसीलिए ये समझने की जरूरत नहीं है कि जो भी भाव करेंगे वो नेक्स्ट बर्थ में ही आएंगे। मगर हम भाव को अलग नहीं कर सकते कि कौन सा भाव डिस्चार्ज है कौन सा भाव चार्ज है, वो नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए पजल होता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अवश्य अलवर आएंगे और जैसे जैसे संजोग बनेंगे जरूर हम आएंगे, और वहां तक आपको ये सबको विज्ञान सुनना है, समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है और दूसरों को अनुभव बांटना है। स्वामी जी कम से कम 4 दिन का 4-5 दिन का समय निकाल करके जी आऊंगा। हाँ। जरूर आऊंगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुदामिन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। यस स्वामी जी, मेरा 3 वर्ड का मीनिंग चाहिए था, चित्त प्रज्ञा और ज्ञाता दृष्टा और ये साक्षी भाव, इस तीनों में क्या अंतर है? चित्त प्रज्ञा, ज्ञाता दृष्टा और साक्षी भाव। साक्षी भाव सबसे पहले साक्षी भाव आता है। साक्षी भाव का मतलब होता है मैं इससे अलग हूँ, मैं मन वचन काया से अलग हूँ। एक प्रकार का ईगो है, अहंकार, मगर ये अच्छा अहंकार है। साक्षी भाव इससे अलग रहना, तो इसको भी साक्षी भाव कहते हैं। तो कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बोला जो भी हो रहा है उससे आप अलग रहो बस, या तो अलग हो ऐसा जानो, वो साक्षी भाव हो गए। तो ये साक्षी भाव है। दूसरा है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो साक्षी भाव से थोड़ा ऊपर है। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है हर अवस्था में स्थिर रहना अपने ज्ञान दर्शन से, प्रकृति की बात नहीं है, ज्ञान और दर्शन से स्थिर रहना वो स्थित प्रज्ञ है, वो साक्षी भाव से और ऊपर है। और तीसरा आपने बताया, क्या बताया? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा वो अल्टीमेट है। ज्ञाता दृष्टा मतलब देखना जानना, वो मतलब अपने स्वभाव में रहना। लेकिन तीनों
नेता दृष्टा का मतलब अपने स्वभाव में रहना, मगर अभी स्वभाव में रहने के लिए जो प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करते हैं वो स्वभाव नहीं है, मगर स्वभाव की ओर जाने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया। आत्मा तो आत्मा का तो स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है, मगर वो ज्ञाता दृष्टा इनका स्वभाव है, पुरुषार्थ नहीं है। सही है। और प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है क्योंकि उनके पास अज्ञान है। तो अज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञाता दृष्टा रहेगा तो। मगर ज्ञाता दृष्टा का मतलब क्या रहा? कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा चेतन अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो मेरा ज्ञान है। और दर्शन क्या है? मन वचन काया और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को कुदरती रचना है। तो ये ज्ञाता दृष्टा रहेगा, अपने आप मालिकी भाव कर्ता भाव और भुगतान का अज्ञान खत्म हो जाएगा। तो ये दो चित्त प्रज्ञा और ये साक्षी भाव वो प्रकृति को देखता है। हाँ, प्रकृति को अलग देखने का वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। हाँ, वो स्टेप है। पहले साक्षी भाव है, फिर चित्त प्रज्ञा है और लास्ट में ज्ञाता दृष्टा है। ये स्टेप है। चित्त प्रज्ञा वो कौन सी स्टेट होती है स्वामी जी? वो ठीक तरह से समझ में नहीं आया। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान दर्शन जो हर परिस्थिति में अपने को अंदर से स्थिर रखता है, वो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। बाहर की अवस्थाओं को असर नहीं होना, अंदर वो स्थित प्रज्ञ है। तो उसको आत्मलक्षी नहीं होता वो? आत्मलक्षी तो कहेंगे। आत्मलक्षी कहेंगे, वो मैंने कहा ना सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप ज्ञाता दृष्टा, वो स्वभाव है। आप समझे? यानी ये स्थित प्रज्ञा तो पुरुषार्थ करते वक्त का स्टेट है। तीनों तीन पुरुषार्थ ही है अभी, मगर पहले अहंकार के साथ पुरुषार्थ है। फिर दूसरा जो लेवल है जागृति के साथ पुरुषार्थ है, और तीसरा है स्वभाव की अनुभूति करने की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ है। ये कैटेगरी है तो तीनों पुरुषार्थ है, यानी विजन में अपग्रेड है उसमें। दैट्स इट करेक्ट वर्ड, विजन में अपग्रेड होता है। इंटेंशन इज द सेम बट द विजन इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट लेवल। लेकिन साक्षी को क्या आत्मलक्षी हो सकता है? कभी भी आत्मलक्षी के बिना भी साक्षी हो सकता है ना स्वामी? साक्षी भाव एक प्रकार का अहंकार है, ज्ञान का एक अहंकार है जिससे हम साक्षी में रहते हैं। वो एक्जेक्ट ज्ञान नहीं होता है, मगर एक धार्मिक ज्ञान से हम प्रकृति से अलग रहने की कोशिश करते हैं। मेरा नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो एक प्रकार का साक्षी भाव का मतलब होता है वो अहंकार से है, इनको साक्षी में रखता हूँ, मैंने नहीं किया है, प्रकृति ने किया है। वो एक प्रकार का शुभ ईगो है, शुभ अशुभ नहीं, शुभ ईगो है। वो तत्व ज्ञान नहीं है, मगर तत्व ज्ञान की ओर जाने का एक स्टेप है। स्टेप सही है, समझ। अभी जो ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा का गुण है, वो गुण अगर प्रकट में या रूपक में दिखना की जरूरत है तो ये जड़ के संयोग से वो विभाव क्रिएट हुआ नहीं हुआ तो वो आत्मा का ज्ञाता दृष्टा गुण भी प्रकट नहीं होगा ना स्वामी जी? कभी दिखेगा नहीं। हाँ, तो आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा गुण है वो आपका ज्ञान दर्शन का उपयोग अगर सनातन सत्य वाला है तो आप अज्ञान को मिटाओगे तो वो स्वाभाविक ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा का स्वभाव है उसी आगे बढ़ सकते हैं, अज्ञान के साथ उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तब समझ में आया? सही समझे। नहीं तो प्रकृति का ही वो ज्ञाता दृष्टा बनता रहेगा। या तो इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई ये स्टेप है, स्टेप। मगर अच्छी बात है, तीनों बातें अच्छी है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़ने का एक रास्ता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। बोलो। नहीं स्वामी जी, आप कहते हैं कि 100% अज्ञान नष्ट नहीं होगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। yes. तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा तो 100% अज्ञान नष्ट कैसे होएगा? वो कहते हैं कि भी हमने 1,00,000 रुपया की लोन लिया है बैंक से, हाँ, और हर महीने हम 1,000 रुपीज पेमेंट करते हैं, यानी के 100 इंस्टॉलमेंट पे करना है टोटल। बराबर है। तो हमने 5 इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर भी बैंक की नोटिस आएगी। 25 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फिर भी नोटिस आएगी। 50 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फिर भी नोटिस आएगी। 75 हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फिर भी नोटिस आएगी। 90 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, फिर भी नोटिस आएगी। 95% हमने पे कर दिया तो अभी नोटिस आएगी। 99% हमने पे कर दिया तो अभी नोटिस आएगी। बोलते नहीं है। लेकिन स्वामी जी, वो आत्मा का कुछ भी अनुभव नहीं होएगा तो 100% अज्ञान कैसे नष्ट होएगा? आपको एक भी इंस्टॉलमेंट बाकी है वहां तक आप बैंक का देवादार है। 100 बाकी है तो भी देवादार, 1 बाकी है इंस्टॉलमेंट तो भी देवादार। नहीं, फिर भी 100% अज्ञान कैसे नष्ट होएगा जब आत्मा का अनुभव होएगा ही नहीं? तो इसीलिए कहता है कि यहाँ इंस्टॉलमेंट देने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप अज्ञान को खत्म करना, और अज्ञान खत्म हो गया वही तो आत्मा की अनुभूति है। तो लेकिन आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ तो मेरे को 100% खात्री कैसे होगी कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ? थोड़ा सा भी अनुभव तो आना चाहिए ना। आत्मा का अनुभव जो 100% होना है वो नहीं होता है, मगर निश्चय पक्का होता है। जैसे जैसे अज्ञान कम होता है शुद्धात्मा का लक्ष्य और निश्चय पक्का होता है। जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते हैं हमको क्या हल्कापन महसूस होता है। यस और नो? यस यस। सेम थिंग यहाँ होता है। जैसा अज्ञान नष्ट होगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ पक्का होगा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ पक्का होगा, क्योंकि अज्ञान नष्ट होता है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा नष्ट हो जाएगा 100% अज्ञान ऐसा आत्मा का अनुभव आने के बिगर ही? नहीं, आत्मा का अनुभव तो अज्ञान नष्ट करना ही आत्मा का अनुभव है। 100% नष्ट करना, और नष्ट करने की प्रक्रिया वो पुरुषार्थ है। बराबर है। और नष्ट हो गया 100% तो वो आपका रिजल्ट है, वो खुला हो गया अनुभव। अच्छा। और स्वामी जी, ये दादा भगवान बोलते थे कि हमारे में दादा भगवान पूर्ण प्रकट हो गए अंदर, तो उसका क्या मतलब? वो उनके अंदर पूर्ण प्रकट हो गए तो उनका शुद्धात्मा कौन सा तो दादा भगवान का? उन्होंने कहा ना भी हमको अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ हाँ, पूर्ण प्रकट का मतलब केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ है, मगर केवल ज्ञान होगा। लेकिन दादा भगवान अंदर प्रकट हो गए उसका क्या मीनिंग? उसका मीनिंग ये है कि उनको कहीं हद तक 95-98% तक उनका अज्ञान खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, बराबर है। वो तो रिलैक्स हो गए। अभी 1-2% का बाकी है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा ही हमारा भी अज्ञान पूर्ण नष्ट तभी होएगा जब वो अंदर प्रकट परमात्मा 100% प्रकट हो जाएंगे, ऐसा ही ना? नहीं, परमात्मा तो अंदर है। अच्छा, वो प्रकट ही है। हाँ हाँ, अज्ञान के आधार से हमको वो प्रकट का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, तो अज्ञान जब नष्ट होएगा 100% तभी आत्मा का पूर्ण अनुभव होएगा। हाँ, मैंने कहा था कि बैंक के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है। हाँ हाँ, ये नाम पर ही है। हाँ हाँ, मगर मैं जेल में हूँ वो प्रश्न है। बराबर है। और इसलिए मैं 1 रुपये का 5 करोड़ में से 1 रुपये का भी यूज नहीं कर सकता हूँ होते हुए भी। हाँ हाँ, बराबर है, क्योंकि मैं अज्ञान की जेल में हूँ।
अच्छा अच्छा और बिना जेल में, बिना जेल से बाहर निकले, बैंक में पैसा होते हुए भी मैं यूज नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा। फिर आप कहोगे कि नहीं, मैं थोड़ा तो पैसा ले सकता हूँ, जेल में भी ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों? तो आपके नाम का तो है। फिर आप कहोगे मेरी 20 साल की जेल थी, अभी 10 साल की जेल खत्म हो गई, तो फिर थोड़ा तो मैं ले सकता हूँ, ले सकते हो? हाँ नहीं तो स्वामी जी, ये उपयोग आपने जो बताया है वो उपयोग रखने से ही 100% अज्ञान नष्ट होएगा, ऐसा ही? यही रास्ता है, ये उपयोग करते रहो और ये उपयोग करने से ही 100% अज्ञान नष्ट होएगा। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का हर अवस्था में उपयोग करना, यही अज्ञान को नाश करने का सही रास्ता है। हाँ हाँ बराबर है, बराबर है। थैंक यू स्वामी जी। स्वामी जी आवाज माइक से नजदीक नजदीक रहोगे तो अपने आप ज्यादा हो। हाँ, थोड़ा थोड़ा नजदीक रहो और बस। हाँ बोलिए बोलिए स्वामी जी। ये जो आत्मा के प्रदेश है, जो भी हम अभी तक जान रहे हैं, मतलब एकेंद्रिय से लेके अभी तक प्रदेश हमारे हम जो देख रहे हैं पंचेंद्रिय तक, इसको ही आत्मा के प्रदेश खुला होना कहते हैं क्या? एज अ जनरल नॉलेज तरीके से भी जो भी जान रहे हैं, पहली बात ये है कि आत्मा का जो स्वभाव है, स्व पर प्रकाशक, वो तो खुला ही है, वो तो उनका स्वभाव है। मगर स्वभाव जो है स्व पर प्रकाशक का, उस प्रकाश में आपको क्या देखना है वो आपकी दृष्टि है। तो प्रकाश में फर्क नहीं है, अगर प्रकाश के अंदर जो दिखता है वो दृष्टि में आपका फर्क है। प्रदेश के बारे में, प्रकाश और प्रदेश में फर्क होगा ना? तो उसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे सूर्य नारायण पूरी सृष्टि को प्रकाश देते हैं, ठीक है जी, और देखने वाले ये सृष्टि को देखते हैं प्रकाश में, करेक्ट जी। मगर जो देखने वाला है, प्रकाश एक ही प्रकार का है, करेक्ट? हाँ जी। मगर देखने वाला एक ही अवस्था को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हाँ जी बराबर है। इसमें प्रकाश में क्या अंतर है? प्रकाश में कोई अंतर नहीं है, मैं कह रही हूँ कि इसी चीज को फिर आत्मा के प्रदेश खुलना कहते हैं क्या? प्रदेश का मतलब होता है प्रकाशित होना, अवस्था को प्रकाशित, ध्यान से सुनो, अवस्था को प्रकाशित करना वो प्रदेश का काम है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करना वो केवल ज्ञान का काम है। हाँ। एक अवस्था को प्रकाशित करना वो प्रदेश का काम है, समझ में आया? जी हाँ हाँ। तो उनका जो प्रकाश का जो स्वभाव है वो तो पूरे ब्रह्मांड को अनकवर करता है, मगर हमारी जो दृष्टि है उसकी जो लिमिटेशन है उसके आधार से हम अवस्था के साथ ऐसे जुड़ गए ताकि हर अवस्था के अंदर हम अज्ञान उदय कर्म में लेकर आए, और इसीलिए हम जब लेकर आए हैं तो वो तो निकलेगा, मगर निकलते समय हम विज्ञान का उपयोग करते हैं, वो भी अवस्था के रूप में करते हैं कि ये अवस्था में शुद्धात्मा में रह के अवस्था को कुदरती रचना देखना है। तो ये मेरा प्रदेश जो था, वो प्रदेश की जो ज्ञान दर्शन था वो शुद्ध हो गया। अगर मैंने ये विज्ञान का उपयोग नहीं किया वो ही अवस्था में, तो मेरा जो प्रदेश है उसमें ज्ञान दर्शन अशुद्ध रह गया।
वो फिर नेक्स्ट बर्थ में कॉज के रूप में कैरी फॉरवर्ड होगा। समझ में आया? समझ में आया? एक अवस्था को शुद्ध करेंगे, कुदरती अवस्था को, जो अपना उकलती फाइल की दर एक अवस्था को जितना शुद्ध कर पाए विज्ञान से, वो खुली हो गई और जो रह गई वो अगले टाइम प्रदेश बन के आएगी। यस यस यस। और क्या प्रश्न करना है? मधुबाला आपका अनम्यूट करो। अनम्यूट ही है। ओके, हमको इधर ऐसे दिखाता है कि वो म्यूट हो गया है। अच्छा, म्यूट हो गया आपका। आवाज आ रही मेरे यहाँ से तो? आवाज आ रही है। हाँ बोलो स्वामी जी। जो अभी हम साक्षात आपसे नहीं मिल पाए हैं, इसको भी अंतराय कहेंगे। हमारी इच्छा है आपसे मिलने की, या हमारा पुण्योदय कम है कहेंगे? नहीं, आपकी जो भावना है वो कुदरत अवश्य पूरी करेंगी, उसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। मगर विज्ञान का उपयोग करते रहो, अपनी जागृति को बढ़ाते रहो, अज्ञान को मिटाते रहो, और अपनी जो भावना है कि हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष से प्रत्यक्ष मिले, वो भावना भी करते रहो। कुदरत का काम आपकी भावना को पूरा करना है जी। आप आशीर्वाद दीजिए कि हम जल्द से जल्द आपसे मिले। अभी नहीं, बस मिले। आप पधारिए स्वामी जी, पधारिए यहाँ पे सातारा, पधारिए महाराष्ट्र की भूमि को भी पावन कीजिए, यहाँ के भी पधारिए। नहीं, मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। मेरी खुद की भी भावना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बम्बई पुणे वगैरह आना चाहता हूँ और साउथ इंडिया में भी जाना चाहता हूँ। अभी देखते हैं आगे आगे संजोग क्या होता है। मेरी भावना तो है, अवश्य है, देखते हैं अभी क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि भी जैसे आपकी भावना है, हमारी भी भावना है, और कुदरत उसको कार्यविंत बनाने में सहयोग करे। बस जी स्वामी जी, जल्दी बता रही है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अपना चरणों, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बोलिए बोलिए स्वामी जी। अभी आपके जो पद आपने समझाए कि उसमें हिंसा के सागर में करुणा से जिएंगे, तो जब पहली बार वो पद सुना ना स्वामी जी, तो वैसा ही भाव आया कि ये संसार में बहुत हिंसा चल रही है, उसमें हम करुणा से जिएंगे। लेकिन आपने बहुत खूब समझाया कि सारे संसारी भाव है, वही भाव हिंसा है। हिंसा है, भाव हिंसा है। हाँ, तो उसको मिटाना है। इसको हाँ, तो बहुत बहुत बढ़िया समझ में आया स्वामी जी आपकी कृपा से। और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक जो भाव है, वो ही भाव अहिंसा है। भाव अहिंसा है, क्योंकि वो तो मुक्ति के लिए करते, संसार के लिए नहीं करते। हाँ, तो वो बहुत अच्छी तरह समझ में आया स्वामी जी आपकी कृपा से। खूब खूब आभार। और दूसरा स्वामी जी, आपने जो श्रद्धांजलि का जो आपने अपने फोड़ पाड़ियों गुजराती में श्रद्धांजलि के बारे में जो समझाया ना कि भाई अर्थ बताया या तो समझ बताई। हाँ, और मन वचन का हर समय तो खत्म ही हो रही है, तो उसको श्रद्धांजलि। हाँ, तो ये इतना बढ़िया समझ में आ गया स्वामी जी की हर समय उसको श्रद्धांजलि देते हुए हम अपने आप को ही समझने की कोशिश करेंगे, उसमें रमने की कोशिश करेंगे स्वामी जी। बहुत 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 कृपा है स्वामी जी। तो आप जब हम मुंबई में पधारेंगे तो हमको आपकी और कृपा का फल मिलेगा स्वामी जी। तो आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन स्वामी जी, और जल्दी जल्दी हमारा भी दर्शन पूर्ण हो वैसी भावना स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। कुंतु मेहता। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं पहली बार आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहली बार आज सेशन में आया हूँ। मतलब पहले सेशन में सुनता था मैं, आज पहली बार प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो ये जो दिगंबर, मैं बॉम्बे से, स्वामी जी नवी मुंबई से हूँ, बॉम्बे से हूँ। नवी मुंबई से। यस प्लीज। हाँ जी, ये दिगंबर
दिगंबर शास्त्र में बताया कि मुनि मुनि के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, तो थोड़ा समझाएंगे स्वामी जी। रिपीट कीजिए क्या, किसके मुनि मुनि के बिना मोक्ष, मुनि मुनि दशा के बदले बिना मोक्ष नहीं हो सकता है, मतलब मुनि होना ही है बोलते है मोक्ष के लिए। हाँ तो मुनि का मतलब, मुनि का मतलब दिगंबर रहना या बाल को कटवा देना, सर को मुंडन करना, वो मुनि नहीं है। मुनि का मतलब होता है मन वचन काया की माली की भाव और कर्ता भाव खत्म करना, वो ही मुनि है। हाँ जी, मन वचन काया और उसकी अवस्था का माली की भाव और कर्ता भाव अपनी दृष्टि में से मिटाना, वो ही मुनि है। हाँ जी, वो बोले कि धागे मात्र का भी परिग्रह नहीं रखना है शरीर के ऊपर। बाहर के परिग्रह उसको परिग्रह नहीं कहते हैं, अज्ञान के परिग्रह को परिग्रह कहते हैं। ये कर्म अज्ञान से बनते हैं, बाहर के परिग्रह से कर्म नहीं बनते, वो तो कर्म फल है। अच्छा, ऐसे तो घर में रह के भी आपको मालूम है जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब राजकुमार थे, वो कोई भिखारी के घर में नहीं पैदा हुए थे। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। तो फिर कोई गरीब नहीं था। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब त्याग करना वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। त्याग वस्तुओं का नहीं करना है, त्याग अज्ञान का करना है। हाँ जी, अज्ञान के त्याग से मुक्ति है, अज्ञान के। और हम तो साधनों का त्याग करते हैं, तो घर में संबंधों का त्याग करते हैं, संपत्ति का त्याग करते हैं। ये तो कुदरत कहती है हमने आपको कर्म के फल के रूप में दिया है, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है, फल है। अच्छा अच्छा, मगर अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, ऐसे माली की भाव और कर्ता भाव जो है उसको मिटाना है। त्याग करने से क्या फायदा, त्यागे सो आगे। तो अज्ञान का मतलब होता है मन वचन काया, एक मिनट, मन वचन काया और उनकी जो अवस्था है सत्ता संपत्ति संबंध और साधन, ये सभी की वैल्यू हमारी दृष्टि में जीरो करना, वो वैराग्य है। और वैराग्य से मोक्ष है और त्याग से संसार है। क्या बताया, त्याग से संसार है, अच्छा, है अच्छा, और वैराग्य से मोक्ष है। त्याग का मतलब होता है आपके पास जो है वो आपने त्याग कर दिया, तो कुदरत ने आपको क्रेडिट दिया, क्रेडिट, और वो नेक्स्ट वर्क में रिजल्ट के रूप में आएगा। और वैराग्य का मतलब होता है सत्ता संपत्ति संबंध साधन सब कुछ होते हुए भी, महल नौकर चाकर परिवार सब कुछ होते हुए भी, जब मेरी दृष्टि में वैल्यू जीरो हो गई, मतलब राग द्वेष खत्म हो गया, तो यही अज्ञान को मिटाना है, वैल्यू जीरो करना, और तभी आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी, और कोई रास्ता नहीं है। धन्यवाद स्वामी जी, क्लियर हो गया पॉइंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है आपको स्वामी जी? ये जो आत्मा जो ज्ञान और लक्षण उसका लक्षण है, तो आत्मा को फील कैसे करना है? आत्मा तो दिखता नहीं है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिकली फील कैसे करें उसको, मतलब दिखता तो नहीं आत्मा? करेक्ट करेक्ट, योर गुड क्वेश्चन, कि आत्मा को फील कैसे करें। हाँ, हाँ स्वामी जी, यही तो बात है। हम घर के अंदर बिजली का यूज करते हैं, बिजली को तो फील पंखा से करते हैं, लाइट से करते हैं, फ्रिज से करते हैं, एसी से करते हैं, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट तो हम फील नहीं करते हैं, मगर हमको मालूम है ये चालू है तो पावर है। ऐसे ऐसे ये शरीर जिंदा है क्योंकि आत्मा अंदर है। अच्छा अच्छा, आत्मा नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं,
आत्मा नहीं है तो हम बोल सकते स्वामी जी नहीं है तो यही तो बात समझ रहा है। मतलब नहीं आत्मा आत्मा है तो आत्मा की तो आत्मा की अनुभूति का मतलब क्या होता है बताओ मैं आपको अभी अनुभूति हाँ का मतलब उसका प्रेजेंटेशन है उसका एहसास होता है क्योंकि आत्मा नहीं है तो शरीर का अस्तित्व भी नहीं है हाँ जी इसको डेड बॉडी बोलते हैं हाँ जी सही बात तो आत्मा तो है तभी तो प्रकृति हाँ। एक्टिविटीज करती है नहीं तो डेड बॉडी है हाँ जी घर के अंदर पंखा है लाइट है एसी है फ्रीज है वॉशिंग मशीन है टीवी है मिक्सर है ये सब कुछ काम करेगा क्योंकि पावर है हाँ, पावर नहीं है तो हाँ सही बात ऐसे ये आंखें देखती है कान सुनता है नाक स्मेल लेता है जीभ टेस्ट करता है शरीर स्पर्श करता है हाथ पांव एक्टिविटीज करता है बुद्धि काम करती है सब कुछ करती है क्योंकि आत्मा है हाँ सही बात और वो नहीं है तो हाँ नहीं होगा तो उनकी तो हाजिरी है हाँ जी मगर हमने आत्मा की वैल्यू नहीं किया और ये साधन हाँ। की वैल्यू किया इंद्रिय ज्ञान की वैल्यू किया आंख की कान हाँ। की नाक की जीभ की स्पर्श की से जो अनुभव हुआ उसकी वैल्यू किया क्रिया हाँ की वैल्यू किया साधनों हाँ की वैल्यू किया संबंधों की वैल्यू किया सत्ता की वैल्यू किया संपत्ति की वैल्यू हाँ। किया आत्मा की नहीं किया हाँ जी और हमको मालूम भी है कि ये सब कुछ होते हुए भी आत्मा नहीं है तो हम जीरो है हाँ जी अज्ञान के साथ हम आत्मा के अलावा अवस्थाओं की ही वैल्यू करते हैं वो ही अज्ञानता है और वो अज्ञान को मिटाना ही मुनिपन है तो स्वामी जी ये जो मोक्ष किधर आया हुआ है मतलब मोक्ष करके कोई जगह है क्या मतलब बोलते कि सिद्ध शिला पे मोक्ष है करके तो जैसे देवलोक क्षेत्र है नरक लोक क्षेत्र है मध्य लोक क्षेत्र है ऐसे सिद्ध क्षेत्र है हाँ जी वो लोक से बाहर है लोकालोक हाँ, से ऊपर हाँ जी वो लोकालोक हाँ जी तो अंत में आत्मा उधर ही जाएगी तो अभी स्वामी जी ये जो हाँ जी लोकालोक से पर है ऊपर है सिद्ध क्षेत्र हाँ जी वहां से बाद में जन्म मरण बंद हो जाता है और शरीर भी मिलता नहीं है हाँ जी और सिद्ध क्षेत्र में कुदरत का कानून भी चलता नहीं है हाँ ये गुरुदेव अभी हाँ जी बोलिए अभी हमको एक इच्छा है कि हमको मोक्ष जाना है तो कहाँ से शुरुआत करें और कैसे कौन सा डायरेक्शन पे जाना है थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना अभी दृढ़ से दृढ़ इच्छा है कि मोक्ष जाना है हमको करके तो कहाँ से शुरू करें और कौन से डायरेक्शन पे चले और आगे का गोल कैसे रखें मतलब थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ये अध्यात्म विज्ञान जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है कुदरती कानून के ऊपर आधारित है उनको बार बार समझने की कोशिश करें और जो भी समझ में आया उसको संजोगों में दृष्टि से उपयोग करने की कोशिश करें और अनुभव करने की कोशिश करें ऐसे करते करते आपका अज्ञान धीरे धीरे नष्ट होगा और विज्ञान प्रकट हो जाएगा हर संपूर्ण अज्ञान खत्म हो जाएगा वही आत्मा की अनुभूति का रास्ता स्वामी जी आप बॉम्बे आएंगे तभी एक बार आके मिलता हूँ स्वामी जी मुझे थोड़ा और जानना है मोक्ष के बारे में तो आप जब भी एक बार बॉम्बे आएंगे तो मैं एक बार पर्सनली आपको आके मिलता हूँ स्वामी जी आप मगर तब तक आप सत्संग सुनते रहना हाँ मैं सत्संग सुनूंगा स्वामी जी हिंदी वाला सत्संग सुनूंगा मतलब कोई बात वैसे भी YouTube बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी हाँ जी के अंदर आप अध्यात्म विज्ञान हिंदी ऐसा लिखोगे तो सभी सत्संग हिंदी के ही निकलेंगे YouTube में हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय सच्चिदानंद तुलसा जय सच्चिदानंद स्वामी जी आवाज आ रही है क्या जय सच्चिदानंद हाँ आ रही है बोलो तुलसा
हाँ स्वामी जी, मुझे ये जानना था, जैसे पहले रमन महर्षि थे, रामकृष्ण परमहंस थे, वो समाधि में जाते थे, तो उनको एक एक दिन, दो दो दिन या एक एक घंटा वो अलग ही खुशी में रहते थे, वो क्या होता, मतलब वो मन वचन का ऐसे अलग हो जाते थे कि क्या, मतलब वो आत्मा का खुशी आनंद था क्या, क्या ऐसे, वो जानना था। देखो कोई भी व्यक्ति जैसे बाह्य जीवन के अंदर तन्मय आकार हो जाते हैं तो थोड़े समय के लिए उस सृष्टि को भूल जाते हैं, इसके अलावा कोई सृष्टि है ऐसा भूल जाते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति अंदर कोई भी अवस्था में स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो वो बाहर की दुनिया को भूल जाती है, उसको बाहर के लोग समाधि बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। और एक रिक्वेस्ट भी था आपसे, जैसे अभी गुजराती सत्संग रहते हैं ना, तो वहाँ कविराज पद के पद भी रहता है, तो अगर वो भाषांतर रहता ना, जैसे हिंदी में वो ट्रांसलेटर होता होगा, तो जो हिंदी महात्मा है उनको भी गुजराती का जो सत्संग रहता है वो भी मालूम हो होता, ऐसा मतलब अगर हो सके आगे तो। होगा होगा, आप सबकी भावना अवश्य पूरी होगी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सुरेंद्र भाई, आप अनम्यूट करें और आपकी वीडियो ऑन करें। हेलो, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रहा है स्वामी जी? हेलो, बोलिए। हाँ स्वामी जी, बस मुझे ये पूछना था कि अज्ञान अवस्था में अपन मोह कर लेते हैं और जब वो मोह टूट जाता है तो फिर आदमी दुखी हो जाता है, रोना आता है, तो इसके प्रतिगमन कैसा करना चाहिए मैंने उसके लिए, समझो कैसा उसके ऊपर दृष्टि। अज्ञान अवस्था में अपन मोह करते हैं, ये मेरा है, मेरी है, मेरी लड़की है, आज नहीं रही मेरी लड़की, ऐसा मोह हो जाता है, फिर उसके प्रतिगमन कैसा करना आज की, और उसको कौन से दृष्टि से उसमें देखना कि जो भी मैंने अभी उसको मोह से ये कर रहा हूँ, आज अंतर्ज्ञान हो रहा है मेरे पास से, जो भी हो रहा है दुख हो रहा है, तो उसको प्रतिगमन मैं कैसा करूँ, थोड़ा डिटेल से थोड़ा बताएंगे। वो संजोग के अधीन है, इसलिए आप स्वतंत्र है इसमें। संजोग के अधीन बनाए क्या सर, आवाज नहीं आ रहा। संजोग किसने बनाए? संजोग कुदरत ने ही बनाए, बाकी क्या? कुदरत ने संजोग बनाया और हमने अमर को मोह हुआ, उसमें गलती कहाँ है? कुदरत ने संजोग बनाया तो, कुदरत ने संजोग बनाया और इसी प्रकार से हमने वो संजोग को फॉलो किया, हमारे पास तो कोई चॉइस है ही नहीं। नहीं नहीं है, चॉइस नहीं है, पर मोह से जो हो जाता ना स्वामी जी। हेलो, इसमें गलती कहाँ हुई? इसमें मोह करके अपनापन मेरापन जो अज्ञान अवस्था में हुआ वो गलती हुई ना स्वामी जी। तो वो तो दृष्टि की बात है, आपने तो क्रिया का प्रश्न पूछा। हाँ ये क्रिया हुई है और क्रिया में मैं दृष्टि नहीं रख सका स्वामी जी। तो दृष्टि का ही करेक्शन करना है, इसमें एक्शन तो नहीं आएगा। नहीं एक्शन नहीं आएगा, जो अवस्था आपके सामने निकल रही थी और लड़की के ऊपर मोह हुआ, उस समय आपको इस अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना था कि ये प्रकृति मेरी है और लड़की दोनों की प्रकृति है, वो कुदरती रचना है और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ज्ञान दृष्टि दर्शन दृष्टि से उपयोग करने का था, वो नहीं कर सके आप। हाँ नहीं कर सके, तो आपको फिर से करने का। तो अभी ये दृष्टि का प्रतिगमन में कैसा करेंगे स्वामी जी इसके अंदर? अभी
अभी मैं समझो ये बार बार भी याद आता है ये मुझे। होता है जो गलती जो उपयोग नहीं किया वो उपयोग कर देने का जब भी याद आए तब। अच्छा जैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आपको 15 तारीख को पैसा देना था लास्ट डेट, हाँ वो नहीं दे सके भूल गए और 20 तारीख को मालूम हुआ कि 15 तारीख को देना है, तो आप 20 तारीख को नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं हम। तो फिर तकलीफ क्या है? ठीक है, ऐसे आपने कुदरती रचना नहीं देखा, शुद्धात्मा में नहीं रहा उस समय, तो बाद में वही संयोग को याद करके मैं शुद्धात्मा हूँ और ये जो बना मन वचन काया के रूप में मेरे और सामने वाले प्रकृति में वो कुदरती रचना है, बस खत्म हो गई। बराबर है, सही बात है, बस बस और कभी कभी करने की क्या जरूरत है, कभी वैसे प्रकृति दोनों की वो तो कुदरती रचना है ही, मगर हम नहीं देख सकते, वो करेक्शन करना है, एक्शन का प्रतिक्रमण नहीं करना। आवाज अभी आती है? हाँ अभी, हाँ अभी आ रही, आ रही, अभी आ रही थोड़ी सी, हाँ थोड़ा आवाज ये कम हो रहा है, अभी आ रहा है आवाज। तो बस यही हमको जो जो सनातन सत्य का जो विजन है आध्यात्म मार्ग में ज्ञान और दर्शन के रूप में जो हमने यूज नहीं किया है, तो जब भी वो याद आया तब तो हमको यूज कर देने का, बस वही प्रतिक्रमण। समझ में आया? हो आया है स्वामी जी, आप औरंगाबाद पधारो, ऐसी मेरी भी इच्छा है महाराष्ट्र में। कहाँ कहाँ पधारे? औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद। ओके ओके, दो बार तो मेरे ख्याल दो या तीन बार में आया हूँ। बहुत मैं कविता उमेश शेणवी कर्नाटका कारवार से बोल रही हूँ। okay. आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये संजोग कैसे बना, आपको कैसे संजोग बना ये आध्यात्म विज्ञान में जुड़ने का? स्वामी जी, मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद पिछले साल मुझे ये ज्ञान में लेने का सुसंधि मिल गई। बाद में आपका सत्संग YouTube में देखने लगी। okay. बहुत ही अच्छा लगा, मेरा सारी प्रश्नों का उत्तर उसमें मिलते रही। okay. इसलिए आपके अडालज ग्रुप में भी ज्वाइन हुई हूँ और सारा सत्संग भी देखते रहते हूँ। बस आपके आशीर्वाद चाहिए स्वामी जी, मुझे ये आध्यात्म विज्ञान उपयोग करके शीघ्र प्रगति हो जाए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, मगर आप आध्यात्म विज्ञान ग्रुप में जुड़े हुए, आपको मैसेज मिलता है रोज? हाँ, सब कुछ मिलता है, अडालज ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, फरवरी महीने एंड को ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, तो आपको हर रोज ये प्रोग्राम का सब मैसेज मिलता है ना? हाँ मिलता है, और यूट्यूब में आपका सारा सत्संग बहुत ही अच्छा मिलता रहता है, हिंदी का देखती हूँ। बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। स्वामी जी, मेरे सहेली का एक व्यवहार का प्रश्न था, पूछू? क्या, बोलिए बोलिए। उसने वो हर नवरात्रि को वो अश्वत्थ वृक्ष है ना, उसको प्रदक्षिणा करती थी, ऐसा 10 साल किया और पुण्य मिले ऐसे भाव से करती थी। बाद में उसने वो पुण्य उसके माँ बाप को देने का भाव किया, इसलिए बच्ची के सामने वो पानी छोड़ के बोलते हैं ना, उसको ट्रांसफर हो जाए, मेरा पुण्य मेरे बाप को हो जाए, माँ बाप को मिले, ऐसा करके दे दिया, वो उनको मिलती है क्या, उसका प्रश्न था स्वामी जी, ऐसा तो, करने से वो तो हमारा भाव है तो उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, मगर हमारा जो भाव है वो हमको ही फल मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। यहाँ तक जिंदे होते हैं वहां तक एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं और व्यवहार खत्म भी होता है, मर जाने के बाद उनके साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो जाता है, उनका नया रिबर्थ हो जाता है, तो जहाँ रिबर्थ होता है वहां उनका कनेक्शन चालू हो जाता है, हमारा खत्म हो गया, मगर हम आज भी उनको याद करके जो भाव करते हैं
उसका बेनिफिट हमको अवश्य मिलता है क्योंकि हम तो जिंदे है ना। हाँ वो भी जीते है, माँ बाप जीते हुए भी उस उनको मिल जाए ऐसा करती थी। हाँ वो तो अपनी अपनी जो भावना होती है वो भावना हाँ। उनके पास जाती है अवश्य हाँ। जाती है, जिंदे है तो क्यों नहीं जाएगी। हाँ, हाँ। अगर बिना हिसाब तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। कर्मों का जो हिसाब होता है उससे ज्यादा या कम नहीं मिलेगा, जो भी हिसाब होगा वही मिलेगा क्योंकि ये हमारी जो वर्तमान लाइफ है वो कर्म फल स्वरूप है, ये पुरुषार्थ स्वरूप नहीं है। वो भी कर्म फल ही था। हाँ हाँ जी स्वामी जी, वो भी कर्म फल ही था उन्होंने उस ऐसा करने का। हाँ, अगर अगर मेरे पास कोई चीज है और मैं किसी को दे देता हूँ तो ये भी कर्म फल है, मिला वो भी कर्म फल, उसको दिया वो भी कर्म फल, और उनका भी ये कर्म फल लेने का। जी स्वामी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए, शीघ्र आगे बढ़ सके आपका ये विज्ञान उपयोग करके ऐसा। आप सुनते रहिए सुनते रहिए और आगे बढ़िए, और वैसे भी ये अध्यात्म विज्ञान में जो एवरी सैटरडे संडे सत्संग होता है उसमें आप जुड़ते रहिए। जी जी स्वामी जी, निरंतर नहीं रहता है इसके लिए प्रॉब्लम, निरंतर विज्ञान में नहीं रह सकते है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो स्टार्ट हो गया, विज्ञान को समझने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला और उपयोग करने का मौका मिला, धीरे धीरे अनुभव करने का मौका मिला, तो हम ऐसे करके आगे बढ़ ही रहे हैं। और जी स्वामी जी, बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब प्रगति कर रहे हैं। जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न भी यही था, 50 साल बाद ये मिल रहा है, बाद में महात्मा के द्वारा उसका भी उत्तर मिल गया। स्वामी जी आपने कहा था अभी पुरुषार्थ ही करते रहो, पीछे मत जाओ। हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद। दीपा, ए सच्चिदानंद स्वामी जी, दीपा कोयम्बतूर थी, कोयम्बतूर से बात कर रही हूँ मैं। बोलिए 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 स्वामी जी, मेरी बहुत ही इच्छा है कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूँ, अभी तक मैं आपको मिली नहीं हूँ, तो बहुत ही इच्छा है लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए और ज्ञान दर्शन में मैं आगे बढ़ूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी जी। नहीं बस मेरा आशीर्वाद भी है और मिलने का संजोग भी आएगा, अवश्य आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम भी जिंदा है, आप भी जिंदा है और हमारे भावना भी जिंदी है, अवश्य आएगा, ये समय की बात है, जरूर संजोग बनेगा, साउथ में आएगा हम तब आपको मैसेज भी मिलेगा और ऐसे मिलने का संजोग जरूर मिलेगा। जरूर आइए। भावना बेन, हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। आज एक अद्भुत प्रश्न हुआ है मुझे, तो ऐसा है कि जैसे हम 6 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं और सारा कुदरती रचना है, 6 एलिमेंट्स में आत्मा इज द वन ऑफ द, तो वो हमारे पंचभूत का महापुतला है, उसमें आत्मा है, जब वो पुतला से आत्मा निकल जाती है तो पुतला डेड हो जाता है, फिर उसको जला देते हैं तो बाकी का जो पंच महाभूत में मिल जाता है, तो 6 एलिमेंट्स का हिसाब से अगर मैं आत्मा को देखती हूँ तो वो भी मेरे शरीर के अंदर है, और जब वो निकल जाता है तो वो भी तो महाभूत में जैसे महाभूत मिल जाते हैं, मतलब जड़ तत्व सारे मिल जाते हैं, आकाश में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व, जड़ तत्व, बाकी अग्नि तत्व सारे अपने अपने हिसाब से पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, तो फिर वो आत्मा जो बॉडी धारण करता है, बॉडी में जो वो होता है, क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं ना, नया बर्थ लेता है, रीबर्थ ले रहा है, तो वो आत्मा भी तो पंच तत्व 6 एलिमेंट है, तो एलिमेंट में पहले मिल जाना चाहिए, उसके बाद ना उसको फिर रीबर्थ अगर समझना है तो कैसे समझे। नहीं नहीं नहीं, जो आत्मा कोई भी तत्व विलीन नहीं होता है, अवस्था ही विलीन होती है, तत्व कभी विलीन नहीं होता है, तत्व तो शाश्वत होता है, था है और रहेगा, उसकी ना आदि है ना अंत है, मगर तत्वों की जो अवस्था है
उसका आदि अंत होता है तो हम इसको विलन कहते विलन हो गया विलीन। तो अवस्था का विलन होता है, जैसे जन्म होता है तो मृत्यु भी होता है, मगर ये अवस्था है, ये तत्व नहीं है। समझ में आया? और जो पंच महाभूत आपने बताए, पृथ्वी जल वायु अग्नि अग्नि और आकाश, तो ये अवस्था के रूप में है, इसीलिए विलीन हो जाती है। तत्व के रूप में कभी नाश नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो अवस्था तो जब अवस्था जब खत्म होती है तो वो उसी में ही तो मिल जाता है ना एलिमेंट्स के साथ। कहने का मतलब है विलीन होना मतलब अवस्था को नष्ट होना और स्वभाव में जुड़ जाना। अच्छा, स्वभाव में जुड़ जाना। और उसका बात वो एग्जांपल देता हूँ, ये पूरी ब्रह्मांड में आकाश तत्व है, ठीक है? ठीक है। और मेरे बॉडी में भी आकाश तत्व है, अगर आकाश तत्व नहीं होता है तो मैं श्वास नहीं ले सकता, पानी नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो सकता है, करेक्ट? तो अंदर आकाश तत्व है ना? जी जी। तो ये आकाश तत्व अभी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, वो अवस्था है। और जब बॉडी को जला दिया तो मूल आकाश तत्वों में वो जुड़ जाता है। हाँ, तो वही मेरा प्रश्न है कि जब आत्मा तत्व भी तो फिर वो वैसे ही होना चाहिए। नहीं बताया मैंने, आकाश तत्व बताया। नहीं नहीं, आकाश का बात सही है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में आत्मा तत्व है। जब ये बॉडी खत्म हो जाता है, यानी कि आत्मा निकल गया और बाकी का जैसे जैसे विलीन हो जाता है, तो वैसे ही आत्मा भी तो पहले वैसे ही विलीन होना चाहिए, उसके बाद नरीबर्त होगा। आत्मा किसमें विलीन होगा? नहीं नहीं, आत्मा आत्मा के साथ मिल जाएगा। जैसे मेरे शरीर में जैसे आकाश तत्व आकाश के साथ मिला, इसी प्रकार आत्मा आत्मा के साथ ही मिल जाना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है यहाँ पर। तो हमको ये समझना है कि आत्मा तत्व के रूप में इक्वल है और एग्जिस्टेंस के रूप में सेपरेट है। हाँ, एक बार और बोलिए स्वामी जी, और एक बार बोलिए। आत्मा तत्व के रूप में एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, तत्व के रूप में, तत्व के रूप में एक है। हाँ, अवस्था के रूप में इंडिविजुअल है। ओ अच्छा, ऐसा समझना है। अच्छा, क्योंकि अवस्था के रूप, क्योंकि दो व्यक्ति मोक्ष में गया वो तो मुक्त हो चुका है, और हम तो भी संसार में है, तो क्या आत्मा का पीसिस होगा? हाँ नहीं, वो तो नहीं होगा। तो उनका आत्मा, उनके आत्मा ने मुक्ति की अनुभूति कर लिया, हमारे आत्मा को मुक्ति की अनुभूति करना बाकी है, मगर उनका आत्मा और मेरा आत्मा आत्मा के रूप में एक ही क्वालिटी का है, मगर मेरा आत्मा अभी मुक्त नहीं हुआ है, उनका आत्मा मुक्त हो गया। जब मुक्त हो जाएगा तो मेरा आत्मा भी सिद्ध क्षेत्र में ही जाएगा। अच्छा, तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में जो आकाश तत्व और बाकी के जड़ तत्व है, तो वो भी उसको इंडिविजुअल नहीं कहा जाएगा, वो यूनिवर्सल वन पीस है। क्या है? यूनिवर्सल वन पीस। अच्छा, तो अच्छा। अवस्था के रूप में काम करके फिर यूनिवर्सल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ अच्छा, अभी समझ में आया। हाँ हाँ, तब भी समझ में आया। अच्छा, क्योंकि आपने हाँ हाँ बॉडी है वो जड़ तत्व से बना है, मगर वो जड़ तत्व की अवस्था है। और जब इसको जला दिया जाएगा तो ओरिजिनल जड़ तत्व में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अवस्था है। हाँ, बस ये इंडिविजुअल के बारे में जो था ना, वही मेरा कंफ्यूजन हुआ कि जगह मैं साइंस के हिसाब से जा रही हूँ तो आत्मा को भी तो आत्मा के साथ ही चला जाना, उसके बाद रीबर्थ होगा वो, जब अपना फिर वो प्रयाण करेगा उस हिसाब से, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल जब मरेगा तो नया आत्मा आएगा। मैं ऐसा थोड़ा साइंस के हिसाब से सोच रही थी, तब मैंने कहा आज तो स्वामी जी से पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न अजीब सा आया मुझे, तो मैंने कहा कि नहीं, एक बार तो अभी समझ में आया कि इंडिविजुअल रूप में है, और थोड़ा मुझे समझना है इसमें। और इसीलिए
इसीलिए मैं आपको एक बात दोबारा दोहराता हूँ, वैसे पहले भी मैंने बहुत बार कहा है कि वेदांत और जैनिज्म में यही डिफरेंस है, वेदांत में एक ही परम तत्व को मानते हैं। ओ अच्छा, ये पजल है। और मुझे नहीं पता है। और जैनिज्म में इंडिविजुअल आत्मा को मानते हैं। क्या बताया? अच्छा, इंडिविजुअल सोल इज अ इंडिविजुअल सोल बट द कैटेगरी वाइज द सेम सोल। ओके, क्वालिटी एंड कैटेगरी वाइज इक्वल बट एग्जिस्टेंस वाइज इंडिविजुअल। अच्छा, तो ये डिफरेंस हो गया वेदांत और जैनिज्म में। समझ में आया? हाँ, वो तो समझ में आया। वही प्रश्न, मैंने तो जैनिज्म भी नहीं पढ़ा, वेदांत भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही प्रश्न आया आज दिमाग में, सुबह ही आया था। मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि कभी भी आप कोई भी दोनों में से एक शास्त्र पढ़ोगे तो जब आपके पास ये उत्तर होगा तो पजल नहीं होना चाहिए। नहीं, बात सही है। हाँ, बात सही है। मैंने पहले ही उत्तर दे दिया, अभी दोनों पढ़ोगे तो पजल नहीं होगा आपको। नहीं, अब नहीं होगा, अभी मुझे थोड़ा वेदांत पढ़ना होगा। वेदांत और जैनिज्म को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं पता है कुछ ना, एकदम हम लोग अज्ञानी है, एकदम अज्ञानी है, कुछ नहीं पता। अभी आपसे जो ज्ञान मिला है उतना ही पता है, उतना ही पता है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न आ जाते हैं। क्योंकि साइंस पकड़ते है ना, पूरा साइंस पकड़ा है ना, साइंस ही पकड़ लिया सीधा, तो भौतिक साइंस और इसको मिला लेते हैं ना कभी कभी, तो मुझे ऐसा पजल हो गया आज सुबह सुबह, तो मैंने कहा आज तो शाम को पूछ ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो रहेगा दिमाग। थैंक यू स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। पूजा गंगोत्री, अनम्यूट करें और आपकी वीडियो स्टार्ट करें। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, आपने अभी बोला ना कि जो समाधि का नहीं बता रहे थे आप कि ये समाधि, एक आपने समाधि का बताया ना कि समाधि में रहते हैं तो स्टेबिलिटी, किसी को भी समाधि रहेगी तो उसको अंदर में स्टेबिलिटी रहती है, तो मुझे वो पूछना है कि वो जो स्टेबिलिटी आई तो वो चार्ज में आई कि डिस्चार्ज है? वो आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है स्वामी जी, आपने अभी आ रहा है स्वामी जी? जय सच्चिदानंद। आपका वीडियो आपने नहीं, एक्चुअली में मैं रोड पे हूँ तो अभी इसीलिए नहीं, वीडियो बंद नहीं है मेरा, ऑन ही है। अच्छा, अच्छा, नहीं स्वामी जी, आपने अभी कहा ना कि जो मतलब समाधि में रहते हैं तो स्टेबिलिटी, जैसे समाधि में के अंदर स्टेबल रहता है पर्सन, तो वो जो स्टेबिलिटी है वो चार्ज है या डिस्चार्ज, मतलब अंदर से स्टेबल रहते हैं वो लोग तो वो चार्ज में जाएगी कि डिस्चार्ज रूप में वो स्टेबिलिटी आ रही है? जैसे रमन्ना महर्षि थे, वो अभी वो जो तुलसा देवी ने पूछा रमन महर्षि का कि वो लोग अंदर से स्टेबल में स्टेबिलिटी रहती थी उनको, तो वो स्टेबिलिटी वो पिछले जन्म का परिणाम है या अभी चार्ज में उनका हो रहा है? वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज। हाँ, यही पूछना है मुझे कि वो जो अभी करंट स्टेबिलिटी है तो वो उनकी चार्ज हो रही है कि डिस्चार्ज है? वो मैंने बताया ना, चार्ज हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो शरीर, तो जैसे समाधि में चुपचाप बैठे रहते हैं स्वामी जी, तो शरीर तो कोई क्रिया नहीं करता है, तो वो मतलब चार्जिंग में ही जाएगी ना समाधि पूरी, जो भी उस समय जो भी हमारा भाव, भी भाव तो खैर चार्ज में ही जाएगा, बट वो एक चार्ज में ही जाएगी ना, डिस्चार्ज तो नहीं है ना? बाहर की जो अवस्था है मन वचन काया की, वो डिस्चार्ज रहेगी, पर समाधि के जागृति है, पुरुषार्थ है, वो उसका चार्ज में जाएगा, जो बाहर दिखता नहीं है। हाँ, और उस समय जब समाधि में अपन चुपचाप बैठे रहते हैं एक ही मतलब उसमें मुद्रा में, तो वो स्थिति, वो तो शरीर तो कोई क्रिया कर ही नहीं रहा, तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या है, सो जाते तो भी क्रिया नहीं करता है, मतलब क्या रहा? हाँ, वो भी है, बाकी हाँ समझ में आ गया। कोई अगर अनकॉन्शियस हो गया तो भी शरीर काम नहीं करेगा, तो आप इसको क्या करोगे?
हाँ हाँ नहीं वो डिस्चार्ज का ही पार्ट है ना, वही तो मैंने बताया। हाँ हाँ समझ गया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। भारती शाह अनम्यूट प्लीज। हेलो हाँ भारती शाह यस बोलिए। म्यूट करते हैं कि अनम्यूट करते हैं समझ में नहीं आता। हाँ मैंने तो अनम्यूट का उसको बोला है बटन दबा है। हाँ बोलो अभी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। મને પણ એવો જ આશીર્વાદ જોઈએ છે કે આપના ચરણ સ્પર્શ કરવા છે, આપના દર્શન કરવા છે, તો બસ મને આશીર્વાદ આપો કે મેં તમારા ચરણોમાં આવીને દર્શન કરું, ને મને એવી વિશેષ જોઈતી હતી કે આપના દર્શન કરવા છે પ્રત્યક્ષ। આપ ક્યાં ક્યાં રહો છો? આપ ક્યાં રહો છો? હું અત્યારે અમે દુબઈમાં છીએ, અને અરિયન ચેનલ થી આપનો સત્સંગ સાંભળીને મેં નૈનાબેન સાથે અબુધાબીમાં નૈનાબેન રહે છે એમની સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવીને નૈનાબેન બહુ સારું એવું એન્કરિંગ બહુ સારા સમજે મહાત્માઓને સત્સંગ કરાવી રહ્યા છે, સમજાવી રહ્યા છે, અને બહુ સારું અમને લાગે છે। તો એમ થાય છે કે આટલું રોજ તો તમને સેટરડે સન્ડે છે અમે તમારા દર્શન કરી શકીએ છીએ, પણ દૂર રહીને પણ એમ થાય છે કે બસ તમારા વિશેષ જોઈએ છે કે મને તમારા ચરણોની ચરણ સ્પર્શ કરવા છે, તમારા ચરણોની રજ જોઈએ છે। અમે અમે ત્યાં આવીશું, સંજોગ પાસે તો આવીશું અને મુલાકાત થશે અમે ત્યારે, તમારો ભાવ છે તો અવશ્ય પૂરો થશે। જરૂર પધારો પંડિત સ્વામીજી, જરૂર અમારા દુબઈમાં તમારા પગલા કરવા જોઈએ, અમને ભાવ તો બહુ જ છે કે તમે કોરોનામાં પણ બધા નીકળે છે તો તમે અત્યારે અહીંયા બહુ સેફટી છે તો તમે અમારે ત્યાં દુબઈમાં પધારો એવી અમારી બહુ જ ભાવના છે। આવીશું આવીશું, હમણાં 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 થોડી પરિસ્થિતિ જરા હજુ એટલી ઇન્ટરનેશનલ લેવલે સારી નથી, પણ નોર્મલ થઈએ તો ચોક્કસ આવીશું અમે। હા પણ તમે તમે નૈનાબેન ના પરિચયમાં રહેજો રેગ્યુલર। હા હા નૈનાબેન બહુ સારી રીતે અમને બહુ સરસ અમને સમજણ આપી રહ્યા છે કે અમારો એક પ્રશ્ન હતો પ્રતિક્રમણ પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાનનો, તો પ્રકૃતિનું પ્રતિક્રમણ અત્યાર સુધી હું કરતી હતી, પણ પછી આ દ્રષ્ટિ પ્રતિક્રમણ મને નૈનાબેને બહુ સુંદર રીતે સમજાવ્યું, અને હજુ બી એમના સત્સંગમાં ટચિંગમાં જ છું કે મને હજુ આગળ જવું છે એમ, મેં એમના બેઝિકમાં ચાલુ કર્યું છે એમણે। બહુ સરસ બહુ સરસ, એટલે એમના એમના સત્સંગના ટચમાં રહેજો એમને। હા ને અમને આશીર્વાદ આપો કે અમે બસ આ સાયન્સમાં અમે અમારા જેવા કેવા નિશાળીયાઓ ખૂબ પ્રગતિ કરે એમ અમે લોકો। મારા ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ છે, ખૂબ ખૂબ જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી, જય સચ્ચિદાનંદ। વિનોદભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ સ્વામીજી। જય સચ્ચિદાનંદ। ये दादा ने भी और आपने भी बताया कि भाई जो प्रत्यक्ष की महिमा है, तो ये प्रत्यक्ष की जो बोलते हैं इम्पोर्टेंस है, महिमा है, इसका क्या मतलब है प्रत्यक्ष का? जैसे आप आपके साथ मैं फेस टू फेस बात करता हूँ, या इंटरनेट पे आपसे बात करता हूँ, या मैं आपका सत्संग जो रिकॉर्डेड है उसको सुनता हूँ, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस? और सेकेंडली जो से आप ज्ञान विधि करते हैं, सबको ज्ञान वाक्य बोलते हैं, और दादा जो ज्ञान विधि करते थे उसके अंदर वो ज्ञान वाक्य बोलते थे, उनका अंगूठे से उनके माथे पे स्पर्श करते थे, तो माथे पे स्पर्श करते थे उसमें कुछ स्पेशल कुछ एनर्जी ट्रांसफर होता था, क्या ये सब प्रत्यक्ष की महिमा में क्या डिफरेंस है, क्या क्या आता है उसके अंदर? ये हर ज्ञानियों की एक अलग अलग परंपरा होती है जी, जिसको बोलते हैं, बट द इंटेंशन एंड पर्पस इज द सेम जी। तो यही इंटेंशन होता है कि कैसे भी करके आपका जो अहंकार है, मालिक भाव और कर्ता भाव का या तो देहाध्यास का, वो ज्ञानी पुरुष को सरेंडर कर दो और आपका जो शुद्धात्मा पद है वो आप ग्रहण कर लो। ये उसका इन शॉर्ट ये उसका इंटेंशन है। मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म, नाम और नाम की जो माया है वो हम समर्पण करते हैं और शुद्धात्मा पद जो है उसको हम ग्रहण करते हैं। तो ये उनका एक इंटेंशन है।
तो ये एक ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का एक प्रयोग था उनके उदय कर्म के अधीन। कोई भी प्रयोग सनातन नहीं होता है, हर अनुभवी पुरुष का प्रयोग अलग अलग होता है और यही विशेषता होती है कि वो अनुभवी है, वो निशानी है, क्योंकि उनका अनुभव सेपरेट होता है तो उनकी मेथड भी क्या होती है, सेपरेट होती है, बट द इंटेंशन एंड द पर्पस इज द सेम। तो हमारा हमको जो ये विज्ञान जो आध्यात्म विज्ञान के रूप में जो खुला हुआ, तो हमारी एक ही सोच है, एक ही दृष्टि है कि भी कैसे भी करके लोगों को ये विज्ञान मिले जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जो छह तत्वों के ऊपर आधारित है, वो लोगों के समझ में आए, ताकि रिलेटिव सत्य का जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है वो अज्ञान धीरे धीरे खत्म हो जाए। दैट इज द पर्पस। आप समझे? तो मान लीजिए दादा भगवान की ज्ञान विधि हो रही है और उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा है, उसने अंगूठा माथे से अंगूठा लगा के वो पाठ नहीं किया, लेकिन पीछे बैठकर उसने पहले कभी ज्ञान नहीं लिया, फर्स्ट टाइम दादा जो ज्ञान वाक्य बोल रहे हैं और वो ज्ञान वाक्य उसी तरह से बोलता है, तो उसका वो बेनिफिट उसको हो जाएगा पूरा, या वो उसमें जो दादा का प्रयोग है उसके अंदर वो माथे वाली जो समर्पण की विधि है वो उसके अंदर एसेंशियल है? मैंने कहा कि मुक्ति के मार्ग में कोई भी मेथड को न यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं और ना ही कंपल्सरी बोल सकते हैं, एनी मेथड। पर जो भी मेथड अपने को प्राप्त हो जाए अनुभवी पुरुष के पास से प्रत्यक्ष के रूप में, और उसी से हमारा ही अज्ञान जिसको हम रिलेटिव सत्य का विजन बोलते हैं वो नष्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, दैट्स इट, दैट इज द पर्पस। मेथड कोई भी है, सनातन नहीं हो सकती है। राम ने भी किसी को ज्ञान दिया, वो मेथड सनातन सत्य नहीं। कृष्ण ने भी किसी को ज्ञान दिया, मेथड सनातन सत्य नहीं। महावीर ने भी हजारों लोगों को ज्ञान दिया, मेथड सनातन सत्य नहीं। श्रीमद राजचंद्र ने ज्ञान दिया, मेथड सनातन सत्य नहीं। 24 तीर्थंकरों ने ज्ञान दिया, मेथड सनातन सत्य नहीं। But the intention and purpose is the same. Okay. So intention and purpose is important. Method is not important. तो जो प्रत्यक्ष की महिमा की क्या बात है कि जो बोले कि प्रत्यक्ष की इम्पोर्टेंस है और उनके जाने के बाद उनकी वैल्यू उनसे इतना लाभ नहीं होता है जो प्रत्यक्ष का लाभ है, इसका क्या मतलब है? जो व्यक्ति हमको साइंस पढ़ाता है एज अ टीचर ऑफ साइंस, उनके पास जो ज्ञान है वो स्क्रिप्चरल ज्ञान है। स्क्रिप्चरल यानी किताब में लिखा हुआ है, वो ज्ञान है जी। और वो आपको पढ़ाता है एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, राइट। मगर वो साइंटिस्ट नहीं है, साइंस का टीचर है मगर साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है। तो उनकी लिमिटेशन है, तो इसको हम प्रत्यक्ष तो जरूर बोलेंगे मगर प्रत्यक्ष अनुभवी नहीं बोलेंगे। और आध्यात्म मार्ग में प्रत्यक्ष शब्द अनुभवी के लिए बताया गया है, नॉट ओनली फिजिकल फॉर्म, नॉट ओनली फिजिकल फॉर्म, दैट्स इट। तो फिजिकल फॉर्म होना वो तो रिलेटिव प्रत्यक्ष, सभी प्रत्यक्ष ही तो है, मगर यहाँ अध्यात्म मार्ग में मुक्ति के मार्ग में जो प्रत्यक्ष शब्दों को बताया गया है उसका मतलब होता है प्रेजेंट विथ एक्सपीरियंस, नॉट ओनली प्रेजेंट। हम सभी तो प्रेजेंट ही तो है, आप भी प्रेजेंट है, तो मतलब वो नहीं ना, अनुभव है तभी उसकी वैल्यू है। तो अनुभव तो ठीक है, अनुभवी के रूप में प्रत्यक्ष होना चाहिए, बाकी किताबों के रूप में नॉलेज के रूप में तो बहुत आएंगे, हर धर्म में रहेगा। नहीं वो बात ठीक है कि भी कोई ज्ञानी पुरुष है उससे मुझे बेनिफिट होने के लिए वो ज्ञानी पुरुष अनुभवी होना चाहिए, खाली किताब की बात करके जो बोलेगा तो वो तो ठीक है, बात वो बात तो अंडरस्टूड है, लेकिन मेरा प्रश्न कोई इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष है
और टीचर भी प्रत्यक्ष है। राइट नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि भी जो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष हैं, दादा भगवान थे, आप हैं, कोई भी है, तो उसके अंदर वो जब लाइव हैं तो उनके साथ हम प्रश्नोत्तरी करके अपने समाधान कर सकते हैं। वो yes. चले गए, उसके बाद उनकी ही जो पुस्तक है, उनका ही जो सत्संग है, वो अब नहीं है, तो जिसने पहले उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, ज्ञान नहीं लिया था, अब वो उन पुस्तकों से में जो बातें आई हैं, सब प्रश्न हुए हैं, उन पुस्तकों को पढ़ के क्या उसका समाधान नहीं हो सकता है, उसको उसका जो है उसको विज्ञान उनसे प्राप्त नहीं हो सकता है? प्रत्यक्ष हाँ। का मतलब क्या ये है? यस बताओ। तो कहने का मतलब होता है जब कोई भी ज्ञान किताबों में आ जाता है तो किताबों के अंदर जो प्रश्नोत्तरी के रूप में जो ज्ञान होता है, इसमें डिफरेंट कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं, डेवलपमेंट की कैटेगरी, और उनके लेवल का जो प्रश्न होता है ज्ञानी उसी लेवल के उसको उत्तर देता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट होते हैं, मगर जिस लेवल का स्टूडेंट होता है ज्ञानी का उत्तर उस लेवल का होता है, तो उनके लिए तो करेक्ट है। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी वाले लोगों ने अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए हैं और किताबों में सभी प्रश्न का उत्तर आया है। अभी आपको कैसे समझ में आएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और कौन सी बात आपको सूट होती है? Nothing is wrong, but what is your standard? You don't know because of प्रत्यक्ष नहीं है, किताब है। पर आप सभी को क्या मानोगे? किताब में जो लिखा है सब सही है, बात सही है कि किताब में जो लिखा है वो सही है, मगर वो जिनको कहा है उनके लिए सही है, दूसरों के लिए नहीं है सभी बातें सही। क्योंकि हर किताबों में दो कैटेगरी होती है, एक रिलेटिव सत्य होता है, एक सनातन सत्य होता है। सनातन सत्य सबके लिए एक होता है, रिलेटिव सत्य इंडिविजुअल होता है। और जितने भी आप सत्संग पढ़ोगे किताबों के माध्यम से प्रश्नोत्तर के रूप में, इसके अंदर 75-80-90% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिलेटिव सत्य और इंडिविजुअल होते हैं। क्या होते हैं? और इसीलिए नॉट फॉर ऑल, मगर जो 10% होता है, जो प्योर साइंस होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बेस पर होता है, वो सबके लिए होता है। मगर हम इसको किताबों के पढ़ने के समय हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बस, और मिस्टेक होने की पूरे पूरी संभावना है, पूरे पूरी। तो मतलब पुस्तक पढ़ के, चाहे ज्ञानी पुरुष की ही पुस्तक है, तो उससे आम आदमी के लिए उसमें से विज्ञान निकालना मुश्किल है। हाँ, तो मतलब जहां तक कोई अनुभवी नहीं मिले, जहां तक कोई भी किताब पढ़े या कोई भी व्यक्ति को मिले बिन अनुभवी को, तो भी तकलीफ नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो हमको चाहिए ना भैया जी। मगर खोज करना है प्रत्यक्ष अनुभवी को, दैट्स इट। और नहीं मिले वहां तक किताब भी पढ़ो, या तो जो शास्त्र ज्ञानी है उनके पास भी जाओ, कोई भी बात नहीं, धीरे धीरे करके आपको रास्ता मिलेगा। तो मतलब खोज यही करना है, मगर नहीं मिले तो जो भी है उससे अभी काम निकालना है, मगर खोज वही करना है। ये मेरा कहने का मतलब है जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आशा, आशा बिन। हाँ जी, जय सच्चिदानंद गुरु जी। बंद करिए जय। बस ज्ञान में प्रगति करें ऐसा आशीर्वाद चाहिए जी। जी बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब प्रगति हाँ। करो। जोधपुर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। आज ये बच्चा ये आए हुई है, जय सच्चिदानंद। बच्चे को कहो थोड़ा सत्संग सुने, विज्ञान को समझे। हाँ 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 बिल्कुल, आशीर्वाद दीजिए। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, खूब खूब प्रगति करो, खूब प्रगति करो। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। Yeah, this is the last one, Bharti Ben, Sharja. Jai Sachidanand Swami Ji. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Amare lokoni sauni bhavna chhe ke tame UAE ma Dubai ma aao, to ee amari bhavna jaldi puri karjo. Na na, chokkas chokkas, zarur ame aavishu, chokkas aavishu. Apna badhani bhavna chhe, chokkas ame aavishu. Ane tamun
તમે મને એક ઓડિયો આપ લખી દીધો તો મેં તમારા મોઢેથી બોલાયો તો બહુ જ એનો મને ફાયદો થયો છે એ હું તમારા માટે શુકર અદા કરું છું. બસ ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ કરો અને બધા કુદરત સંજોગ ભેગા કરશે અને આવવાનો પણ સંજોગ વાસે અને આપણે બધાને એકબીજાને પ્રત્યક્ષ મળશે પણ ખરું ચોક્કસ આપણે. હા જય સચ્ચિદાનંદ, થેન્ક યુ વેરી મચ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સ્વામીજી, હવે પ્રાર્થના કરીએ. યસ યસ. હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ હરેક જીવ કે અંદર બિરાજમાન હૈ, વૈસે મુજ મેં ભી બિરાજમાન હૈ. આપકા સ્વરૂપ વો હી મેરા સ્વરૂપ હૈ, મેરા સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા હૈ. हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अवैध भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ. अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ. उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ. हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे. और दृष्टि संबंधी गलतियां बार बार न करूं, ऐसी आप मेरे को शक्ति प्रदान करें. हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो. आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे. जय सच्चिदानंद.